Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar and once again a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. बहुत कुछ हमने जान लिया है, बहुत कुछ पा लिया है, और अब ज़िंदगी सचमुच एक नई ज़िंदगी लगने लग गई है, जिसकी हमें तलाश थी। लेकिन अभी भी बहुत सी बातें हैं इतने सारे मेरे हाथ में सवाल आपका इतना सारा प्यार हमें मिलता है सबसे पहले तो उसके लिए हम बहुत शुक्रिया कह दें उसके बाद ये जो छोटे 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 सवाल अभी भी बाकी हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको कुरेदते हैं सभी सवालों के साथ आज इस श्रृंखला में हैं हम और इन सवालों का जवाब साथ मिलकर तलाशेंगे और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी ओम शांति बिफोर वी गो है सिस्टर शिवानी Anything you would like to tell the viewers because they have been sending love to you. I'm say, in fact, I am amazed they are sending so much love to me, to Shiv Baba. Yes, it's the kind of relationship that's the most beautiful <laughs> thing. It's just so lovely to read these emails and to get all the phone calls. जब आपको यू you नो know, जो लोग फ़ोन करते हैं एंड वो कहते हैं हमने शिव बाबा से बातें करना शुरू कर दिया है हमने आज ये कहा और हमें इस तरह से उसका आंसर मिला तो इट्स सो वंडरफुल टू सी दैट द सोल इज गेटिंग कनेक्टेड टू गॉड डायरेक्टली यू नो बिकॉज आफ्टर ऑल इवन दो वी आर हेयर एंड वी आर इंस्ट्रूमेंट्स बट द कनेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट विद हिम और जब इंस्ट्रूमेंट को बाईपास करके आपका कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ सकता है तब वो है जीवन में सही प्राप्ति बट ऑफ कोर्स एवरीबडी हु सेंडिंग इन देयर फीडबैक वंडरफुल एंड सो मच ब्लेसिंग्स इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और इतनी गुड विशेज जो सबके मिलते हैं इट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल चलिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं एक सवाल है कि आपने बात की थी पॉज की mm -hmm. तो मुझे यह लगता है कि uh, ये सवाल भी वो पूछ रहे हैं कि क्या पॉज ही मेडिटेशन है बिकॉज दैट्स व्हाट ही से पॉज इज नथिंग बट इट्स लाइक kind of a meditation because for me meditation means moving away from the thoughts hmm. so what do you think is there any other relationship between pause and meditation pause is just जो pause हम कहते हैं कि just a minute actually उन्होंने pause शायद वहां से लिया जो हमने कहा कि हर एक घंटे के बाद एक minute के लिए stop करे पर दैट्स इन द वेरी बिगिनिंग स्टेज ऑफ मेडिटेशन कि आप एक मिनट के लिए रुक जाइए आप जो कुछ कर रहे हैं मन को आराम दें और स्टॉप करके देखें कि मन में क्या चल रहा है दैट इज द पॉज क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं तब तक आगे जो स्टेज हैं चेक करने की फिर उसको चेंज करने की वो नहीं होंगे तो द फर्स्ट स्टेज इज स्टॉप पॉज लुक क्या चल रहा था फिर उसको चेंज करना लेकिन मेडिटेशन इज नॉट दैट मेडिटेशन इज मच मच हायर मेडिटेशन इज सोल कॉन्शियसनेस पहले उस आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना कि मैं आत्मा हूँ इस शरीर की मालिक और फिर परमात्मा से वो संबंध छोड़ना और परमात्मा को इतना नज़दीक बुद्धि से जाकर बैठ जाना कि सारी जो परमात्म शक्तियाँ हैं परमात्म प्यार है वो सारा जैसे मुझ आत्मा पर पहुँच रहा है ये भी हम एक मिनट में कर सकते हैं यू नो सो आफ्टर एवरी वन आवर व्हेन यू स्टॉप फॉर वन मिनट तो मैं आत्मा एक क्षण के लिए यहाँ से निकल अपने घर जाती हूँ परमधाम शिव बाबा के पास बैठी हूँ वो शक्तियाँ मुझ पर आ रही हैं एंड वापस तो एक मिनट में मैं बहुत सारी जैसे रिचार्जिंग कर सकती हूँ और अपने वो ओरिजिनल संस्कार्स को फिर से इमर्ज कर सकते हैं चलिए ये लेते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ किसी ने प्रडिक किया था कि मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है तो क्या मैं मेडिटेशन की पार से अपने उस बैड लक को कन्वर्ट कर सकता हूँ एब्सोल्युटली एब्सोल्यूटली हंड्रेड परसेंट क्योंकि ये जो बात है कि किसी ने प्रिडिक्ट किया था कि मेरे साथ बुरा होने वाला है तो हमें ये कोई ना कोई साइंस पर बेस्ड होगा वो लेकिन अब जब थॉट पावर हमारे कंट्रोल में हो गई है तो थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी अब ज्यादातर क्या होता है कि जब हमें कोई कहता है कि अगले महीने में आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है तो वो इन्फॉर्मेशन फीड हो जाती है हमारे अंदर एंड वही थॉट्स क्रिएट होती है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप थाट्स क्रिएट करेंगे सारे सराउंडिंग्स सारे लोग उसी तरह की सिचुएशन आपके पास ले आएंगे और आपके साथ बुरा हो जाएगा तो आपने थॉट को चेंज किया तो जैसे इनको अगर किसी ने कहा है ये बुरा है अगर ये उसको चेंज करके अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं कि मेरे साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा सिर्फ सोचना मतलब एक संकल्प नहीं लेकिन उस पर दृढ़ता से hmm. बिलीव करना और उसमें एक बार भी डाउट नहीं आना चाहिए hmm. तो इनके साथ बुरा तो बहुत दूर की बात है अच्छा ही अच्छा होगा That whatever is going to to happen, I'm ready to accept. Right. So so I think it, it was so beautiful the way things happened. Okay. आगे बढ़ते हैं इनका सवाल है कि अगर परमात्मा के साथ मैं बात कर सकता हूँ why don't I ask कि डायबिटीज का क्या इलाज है अभी तक इतने सारे बीमारियाँ हैं जिनके इलाज नहीं निकल पाए हैं एड्स है या कोई और भी बीमारियाँ हैं उनके इलाज क्यों मैं उनसे नहीं पूछ सकता मैं इतनी रिसर्च पे पैसा व्यर्थ हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या जरूरत है एब्सोल्युटली आप पूछ सकते हैं देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट परमात्मा से बात करना अर्थात क्या कि जब हम शिव बाबा से बात करते हैं तो हम अपने संकल्पों को उनके सामने जैसे रख देते हैं और हमें बहुत क्लियर टचिंग होती है कि क्या सही है क्या गलत है या इस समय हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए या कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए अब उसके लिए ये चीज़ उन्हीं को टच होगी जिनके लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो डायबिटीज का क्योर ढूंढ रहे हैं या वो कैंसर का इफ आई सेट टू टॉक अबाउट इट आई माइट नॉट गेट दंसर बिकॉज इट्स नॉट समो रियूंगल लाइफ याट विद दैट कन्विक्शन लेकिन अगर मैं अपने से रिलेटेड कोई मुझे जो बात बहुत स्ट्रांगली लगे वो बात कोई भी हो सकती है तो उसका जवाब मुझे डायरेक्टली मिल सकता है एक लेट मिस्टर केवी वी के राजू थे जो नागार्जुना फर्टिलाइजर्स के चेयरमैन थे आप माउंट आबू आए आपने राजयोग सीखा और मेडिटेशन का प्रयोग शुरू किया उस समय पर आपकी एक कंपनी बहुत समय से बंद थी यू नो ड्यू टू सम गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स और उस पर मीटिंग पे मीटिंग होती थी कि इसको कैसे फिर से शुरू किया जाए मेडिटेशन uh, सीखने के बाद आपने रोज सवेरे तीन बजे उठकर मेडिटेशन करना शुरू किया और एट दैट टाइम आपकी क्रिएटिविटी लेवल सबसे हाई होता है एंड केमिकल्स भी बॉडी के अंदर पूरा उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं वातावरण बहुत शुद्ध और साइलेंट होता है कनेक्शन बहुत अच्छा जुड़ जाता है और आप मेडिटेशन करने बैठे और योग के बाद आपको बिल्कुल एक क्लियर थॉट आया कि आपको उस कंपनी के साथ क्या करना है यू नो एंड दैट मॉर्निंग इट सेल्फ ही वेंट एंड ही कोल्ड यू नो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड उन्होंने वो जो थॉट था वो सबके सामने रख दिया एंड उस पर कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ एवरीबडी जस्ट एक्सेप्टेड इट यूनानमसली

अभी तक जितने भी गुरुओं से शिक्षा लेते आ रहे हैं या जो बात है वो यही समझ में आती है कि तीन सच्चाइयाँ जो कि उन्होंने कहा है जो गुरुओं की सच्चाइयाँ इनके सामने आई है कि ईश्वर सत, सत्य है सच है आत्मा सच है और तीसरा सच है माया ओके एंड दे ट्राइंग इज ट्राइंग टू आस्क आत्मा और परमात्मा तक पहुंच नहीं पाते हम क्योंकि माया बीच में होती है लेकिन आपने अभी तक हमें नहीं बताया कि वो माया, माया कौन, कौन, है, <laughs> है? okay. तो <laughs> <So, वो> माया मेम साहब कहाँ है <laughs> क्या है वो माया मेम साहब आत्मा सत्य है परमात्मा भी सत्य है अविनाशी है इसलिए ये सत्य है माया और कुछ नहीं लेकिन हमारी ही कमजोरियां हैं यू you नो know, जैसे हम कहते हैं कि हम ये करना तो चाहते थे हम सवेरे उठना तो चाहते थे लेकिन माया आ गई hmm. तो माया आ गई मतलब क्या कि मैंने तो संकल्प किया था सुबह उठने का लेकिन जब मैं सुबह उठने लगा जब अलार्म बजा तो संकल्प आया कितना देर से सोए थे रात को अभी अगर इतना सुबह जल्दी उठ जाओगे ना तो सारा दिन थोड़ा सा थकावट लगेगा ये मेरे साथ आया था। <laughs> एक बार तो, <laughs> तो वो माया है <laughs> से, तो माया सत्य नहीं है <laughs> माया इज नॉट एन एंटिटी माया कोई चीज नहीं है तो इल्यूजन तो है इसीलिए तो माया इल्यूजन कहते हैं क्योंकि ये ट्रुथ है <laughs> और ये इल्यूजन है तो माया अर्थात हमारे ही कमजोर संकल्प क्या वो काम क्रोध की जो बात करते हैं वो है सारा, माया सारी कमियां कमजोरियां नहीं सिर्फ पांच विकार नहीं हर इवन दिस ना कि नहीं सुबह मत उठो कोई बात नहीं सो जाओ थोड़ी देर के बाद उठ जाना लेजीनेस ये भी माया है कोई भी ऐसा कमजोर संकल्प जो हमें परमार्थिक श्रीमद् पर चलने से या हमें जो सत्य समझ में आ गया है उस राह पर चलने से रोक देता है ये दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है या नहीं और अगर करता है तो किस तरह से वो मुझे हार्म कर रहा है और आई एम श्योर क्या वो जिसने किया है ब्लैक मैजिक उसको वापस भेजता है ईश्वर भेज देता है गॉड भेजता है और ब्लैक मैजिक मेरे साथ हुआ है इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन तो क्या ये मेरे साथ हुआ होगा या मेरा टाइम ऐसा था तब हुआ मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ब्लैक मैजिक हो सकता है और उसे बचूं कैसे सी अगेन आई डोंट थिंक अ पोजिशन टू टॉक अबाउट समथिंग वी डोंट हैव फुल नॉलेज अबाउट लेकिन ब्लैक मैजिक जो हमें समझ में आता वो ये है कि कोई हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव डाल रहा है कि कोई हमें और सारा कुछ तो एनर्जी का खेल है संकल्पों का खेल है तो दूसरे भले आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हो बट अपने आप को प्रोटेक्ट करना इसका पोटेंशियल हमारे पास है तो इफ़ नेगेटिव एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम देर कोई नेगेटिव थॉट्स इस तरह से भेज रहा है अगर हम अपनी स्थिति को बहुत पॉजिटिव बना लें कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ मैं मैं एक पावरफुल आत्मा हूं। मैं परमात्मा का बच्चा हूं। और जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं आप ये सीन विजुअलाइज करें कि परम धाम से जैसे पवित्रता की शक्ति प्योरिटी प्योर रेज आप आत्मा के ऊपर गिर रही है और आपके ऊपर से जैसे एक पूरा और चारों तरफ प्योरिटी का वो बन रहा है तो आप हर रोज बैठकर सवेरे और शाम को अपने अराउंड ये प्योरिटी का एक जैसे कहें ना शील प्रोटेक्शन ये एक क्रिएट कर दे और ये परमात्मा की शक्ति है इस शक्ति के ऊपर और कोई शक्ति

and continuously we talk to ourselves that Absolutely. nothing can happen nothing can happen to me because i am child of god and he is there to protect me aur jahan tak उन आत्माओं को return मिलने का बात है तो वो तो हमें समझ में आया कि जो कर्म हम करेंगे उसका result हमें मिलेगा ही, बट देन वी डू नॉट नीड टू थिंक नेगेटिवली अबाउट Somebody ओके अनदर क्वेश्चन कि परमधाम से जो एक है कि आपने कहा कि बहुत कम टाइम के लिए हम वहां जाते हैं अभी और हम आ जाते हैं वापस इस कर्म क्षेत्र में और ये भी आपने कहा था कि हम वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहते जब हम शुरू में थे क्योंकि वो बोरिंग हो जाता था हो सकता था इसीलिए हम यहाँ आना चाहते थे लेकिन अगर हम मैक्सिमम टाइम यहाँ पे गुजार रहे हैं तो फिर वो हमारा घर कैसे है आजकल जबकि हम बहुत बिजी समय पर चल रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम हम ऑफिस में ही रहते हैं घंटे hmm. के लिए ही हम घर जाते हैं लेकिन घर अर्थात वो नहीं कि जहाँ ज्यादा समय बिताया जाता लेकिन घर अर्थात वो जहाँ कंफर्ट है hmm. घर अर्थात वो जहाँ मेरा पेरेंट है घर अर्थात वो जहाँ प्रोटेक्शन है सिक्योरिटी है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंफर्ट फीलिंग यू नो तो वो मेरा घर है तो भले हम थोड़े समय के लिए जाते हैं और फिर इस कर्म क्षेत्र पर आ जाते हैं लेकिन बीच बीच में भी आज जब हम उस घर को याद करते हैं तो एक बहुत कंफर्टेबल फीलिंग आती है और मेरा पिता शिव बाबा उस घर का रहवासी है तो हम सब आत्माएं एनर्जी तो वहीं की थी फिर इस कॉस्ट्यूम में जब आई तो ये हमारा कर्म क्षेत्र है मतलब ओरिजिनल स्टेट में जिसमें हम रह सकते हैं यू नो अगेन व्हेन आर यू इन योर नेचुरल स्टेट यू आर एट होम जब आपको बाहर आना है तो आपको एक अलग रूप लेकर आना पड़ता लेकिन जब आप घर पे हैं यू आर जस्ट योर सेल्फ तो आत्मा जब परम धाम में है इट्स जस्ट इट्स सेल्फ स्टिल लेकिन फिर जब शरीर में आती है तो कर्म करना एक्शन में, में आना मूवमेंट में आना सो दैट इज वाई दैट इज द होम एंड दिस इज द एक्टिविटी प्लेस ओके आपने कहा कि uh, सत्युग से आगे बढ़ते गए और uh, देवी देवता जिन्हें हम कहते हैं दिव्य आत्माएं हैं वो वो अभी कहाँ हैं आर दे इन द फॉर्म ऑफ सोल्स वेयर आर दे आई थिंक दिस क्वेश्चन नाउ एवरीबडी शुड बी एबल टू आंसर देम सेल्व लेट सी इफ यू गेट दी आंसर नाउ दिस क्वेश्चन यू विल आंसर कि हम आत्माएं घर में थी परम धाम में थी एकदम प्योर स्टिल सृष्टि पर आए पहला शरीर लिया आत्मा पवित्र शरीर पवित्र उनको हमने टाइटल दिया देवी देवताएं क्योंकि दिव्य गुणों वाली आत्माएं डेढ़ सौ वर्ष एक शरीर में पाठ बजाया शरीर छोड़ा दूसरा जन्म लिया शरीर छोड़ा तीसरा जन्म लिया ये समझ में आ गया कि साइकिल के बीच में ऊपर नहीं जा सकते हैं वंस बी आर ऑन द स्टेज बी आर ऑन द स्टेज टिल ऑल एक्टर्स कम ऑन द स्टेज तो जो वो देवी देवताएं थे या दिव्य गुणों वाली आत्माएं थी जब वो सत्युग में इस सृष्टि पर आते हैं तो सत्युग समय बीतता गया त्रेता युग हुआ द्वापर युग हुआ कल युग हुआ आज वो आत्माएं कहाँ पर होंगे हम में से ही कोई होगी ओ यस दैट आंसर एक्चुअली या इट्स अमेजिंग टू अंडरस्टैंड सिस्टर शिवानी कि जिन देवी देवताओं की हम बात करते हैं वो वही सोल्स आज कहाँ तक पहुँच गई हैं। तो हम में से ही कहीं है वो हाँ इसीलिए तो देखो हम सत्यनारायण का जो पाठ करते हैं तो उसमें क्या बताया जाता कि नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बने hmm. नारी से लक्ष्मी बने मतलब क्या उसका कि अभी जब हम साइकिल के फैग एंड पर आकर पहुंचे तो हम नर और नारी बन चुके हैं और सत्युग के बिगिनिंग में लक्ष्मी और नारायण थे ये एक बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ना कि आत्मा प्योर थी तो शरीर भी प्योर था आत्मा यूज होते 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 उसकी पावर थोड़ी थोड़ी कम होती गई तो शरीर भी उसको कैसा मिलेगा ऑर्डिनरी hmm. तो आज वो दिव्य आत्माएं प्योर आत्माएं ऑर्डर्ड स्टेट से स्टेज में पहुंची है अब परमात्मा की शक्ति मिलने से फिर से, से में पहुंच जाएंगे तो तो <laughs> सत्यों की पॉपुलेशन इतनी सारी नहीं हो सकती है ना हाँ। तो वही जो आप सारी वो बातें कर रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा एनक्लियर वॉर होगा तो क्या होगा तो सत्यों की पॉपुलेशन साढ़े छः सौ या सात सौ करोड़ आठ सौ करोड़ तो नहीं हो सकती है क्योंकि कलयुग कल ही इसलिए है hmm. because of hmm. और हमने ये भी देखा कि हंड्रेड ईयर्स पहले तक डेढ़ सौ करोड़ पॉपुलेशन थे तो सत्युग में कितनी कम हो गए बिकॉज आर टॉकिंग ऑफ पांच हजार साल पहले तो हमें शिव बाबा ने बताया कि सत्युग की स्टार्टिंग की पॉपुलेशन नौ लाख अथमय और सत्युग के एंड तक जब तक हम पहुंचते वर्ष में तो दो करोड़ और त्रेता युग के एंड तक जब हम पहुंचते तो करोड़ करोड़ देवी देव इसीलिए वो, तो वो ही देवी देवताएं तो आज जो आत्माएं परमात्मा को पहचान लेंगे क्योंकि परिचय तो हर एक को मिलेगा लेकिन जो फिर वो संबंध जोड़ अपनी प्योरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू करते तो वही आत्माएं हैं जो वो उस सत्योगी दुनिया में जाने के लिए उनका वो रोल होगा और बाकी आत्माएं परम धाम में अपने घर में रहेंगे तो अब हमें चूज करना है कि वर्तमान समय पहली बात हम कहाँ खड़े हैं या तो हम कलयुग पर खड़े हो सकते हैं और देखें कि पुरानी मकान कैसे टूट रहा है एक एक पत्थर नीचे गिरता जा रहा है और परेशान होते रहे hmm. कि मेरे घर को क्या हो रहा है मेरी सृष्टि को क्या हो रहा है या हम इसी समय में संगम युग पर खड़े हो जाएं, जहाँ नए मकान की कंस्ट्रक्शन हो रही है और अपने आप को पवित्र करने से हम उस नए मकान को बनाने में सहयोग देते हैं और अगर हम उस नए मकान को बनाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हम ही उस नए मकान में रहते भी हैं। ओके अनदर क्वेश्चन यहाँ आने से पहले पहली ह्यूमन बॉडी लेने से पहले मैं कहा था ये जवाब तो मैं भी दे सकती हूँ कि वो परमधाम में स्टिल है जहाँ परफेक्ट यू नो सोल कॉन्शियसनेस की अवस्था है क्या मैं अपनी मर्जी से जन्म लेता हूँ पहली बार ही नहीं वो तो इनफैक्ट वो भी मैं, मैं आंसर दे सकती हूँ अब लेकिन उसके बाद के जो बाद के जो जन्म है वो क्या मेरी चॉइस होती है क्योंकि कई किताबों के जो हम बात करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसमें ये बात आती है कि यू चूज़ योर बर्थ एंड यू नो कहाँ पे किस माहौल में आप लोगे तो जो सब्सिक्वेंट बर्थ्स हैं व्हाट दे मीन बाय यू चूज योर बर्थ इज कार्मिक फिलोसफी है ना uh, you you know, कि आप जिस तरह के कर्म करेंगे उसी अनुसार आपका अगला जन्म डिसाइड हो जाएगा ये तो हमने देखा ही है कि हरेक आत्मा के साथ आप जिस हिसाब किताब में चलेंगे जिस तरह की थॉट एनर्जी आप हरेक को देंगे जिस तरह के कर्म आपने इस जीवन में किए होंगे और आपका शरीर छोड़ते समय जो अंतिम थॉट होगा उस पर आधारित आपका नेक्स्ट जन्म होगा तो जितने श्रेष्ठ कर्म करते जाएंगे श्रेष्ठ संकल्प करते जाएंगे उतना आपका नेक्स्ट जीवन ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगा दैट इज लाइक अ गारंटी कि वो गारंटी है और अभी संगम युग पर इतनी पवित्र बन जाए कि जो आत्मा सत्युग में आएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली उसके सब्सिक्वेंट जन्म अच्छे ही होते जाएंगे इट्स ओनली टूवर्ड्स द वेरी वेरी लास्ट एंड वे देर इज अटल बिट ऑफ

मैं आत्मा यहाँ बाहर तो हम कहते ब्रिकुटी के बीच जहाँ हम तिलक भी लगाते लेकिन आत्मा यहाँ नहीं इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन हाइपोथैलमिस और पिट्यूट्री ग्लैंड के बीच तो अगर हम यहाँ से एक सीधी स्ट्रेट लाइन डालें और ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन डालें जहाँ दोनों लाइंस एकदम इंटरसेक्ट होती हैं सीट ऑफ द सोल बिटवीन द हाइपोथैलमिस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड मैं आत्मा वहाँ निवास करती हूँ और मैं आत्मा ये तीन कार्य करती हूँ कि जब मैं सोचने का काम करती हूँ तो हम उसको मन कहते हैं संकल्प शक्ति मन जो संकल्प क्रिएट करता है तो मैं आत्मा उन संकल्पों को पहचानते हूँ समझते हूँ और निर्णय लेते हूँ आई टेक द एम द डिसन मेकिंग फैकल्टी तो वो बुद्धि हम उसको बुद्धि कहते हैं और बुद्धि ने जो निर्णय लिया वो कर्म में आया जो कर्म हम बार बार करते गए वो एक इम्प्रेशन छोड़ता गया एंड दैट इज द संस्कार hmm. तो मन बुद्धि संस्कार ये मैं आत्मा ही हूं मुझे आत्मा की तीन फाकल चीज है और थॉट क्रिएशन थॉट तो हम खुद ही क्रिएट करते हैं सस्य शिवानी अभी भी सवाल काफ़ी हैं लेकिन जिस तरह से हमने एक बार आ, इन सारे सवालों को लेते हुए एक रिकैप भी किया है अपनी पूरी जो हमारी जर्नी है क्योंकि ज्ञान के साथ बहुत से और सवाल वैसे तो बहुत क्रिस्टल क्लियर जिस तरह से लोगों के पास हमारा रिस्पांस आ रहा है इट्स एक्चुअली वेरी क्लियर लेकिन हाँ छोटी छोटी बातें अगेन हमारे रॉन्ग बिलीव से yeah. जुड़ी हुई वो हैं और ये सभी सवालों के जवाब हमें मिलते गए हैं थैंक यू सो मच ओम ओम शांति शांति लगातार आपका आता रिस्पॉन्स हमारे लिए भी हमें भी भी हमें हमारी हौसला अफजाई कर रहा है और हमें भी ये बताता है कि हम सही ट्रैक पर हैं पर हो सकता है अभी भी कोई ऐसी बात हो जो मुझे ना समझ में आ रही हो या कोई ऐसा सवाल हो जिसका जवाब आप तलाश रहे हो आपका स्वागत है आप हमें फोन कीजिए या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ वॉन्ट टू नो योर नियर राज जीरो नाइन 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 सेवन डबल फोर ट्रिपल फाइव अवेटनिंग विद ब्रह्मा कुमारी एक बार फिर आपके साथ मुलाकात होगी अगली कड़ी में जबकि आपके सवाल हम लेंगे शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में तब तक के लिए दीजिए इजाजत ओम शांति